सो हेलो एवरीवन, ये है गीतांजलि क्रेडिट के क्वार्टर टू के रिजल्ट। आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि इस शेयर के रिजल्ट यहाँ पर कैसे रहे हैं। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर इस शेयर के टोटल इनकम से। तो ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकम है वो यहाँ पर ईयरली और क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर कुछ भी इनकम जनरेट नहीं हुई है। आगे हम इस शेयर के टोटल एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। एक्सपेंसेस यहाँ पर जो है आगे बात करते हैं तो 0.24 लाख इस शेयर का क्वार्टरली बेसिस में था और ईयरली बेसिस में भी है। तो एक्सपेंसेस यहाँ पर उतने ही रहे हैं, इनकम तो यहाँ पर कोई जनरेट होती हुई नहीं दिखी है। आगे हम इस शेयर के यहाँ पर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो प्रॉफिट निकल कर आया तो 0.24 लाख इस शेयर का प्रॉफिट यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर लॉस है और अभी भी 0.24 है, ब्रैकेट में है, यानी कि अभी भी लॉस में है। आगे हम इस शेयर के जो है अर्निंग पर शेयर को देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर जो है 1 पैसे है, ब्रैकेट में है, लॉस में है, अभी भी जो है 1 पैसे है, ब्रैकेट में है, यानी कि लॉस में है। ओवरऑल एनालाइज करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं शेयर के रिजल्ट जो है यहाँ पर अच्छे नहीं रहे हैं। अब बात करते हैं हम इस शेयर के प्राइस लेवल की। तो मैक्सिमम टारगेट जो है इस मंथ तक का शेयर का, वैसे तो यहाँ पर हमें 2.12 रुपये देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप इस शेयर को यहाँ पर सेल कर दीजिए। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के प्रस्पेक्टिव से ये जो शेयर है वो अच्छा नहीं है।